नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और राहुल गांधी ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ नफरत और अन्याय की विचारधारा है तो दूसरी तरफ न्याय और भाईचारे की विचारधारा है, जिसके बाद राहुल गांधी अनिल विज के निशाने पर आ गए। अनिल विज ने राहुल गांधी के साथ साथ उनके पूर्वजों पर भी निशाना साधा और राहुल गांधी को प्रायश्चित यात्रा करने की सलाह दे डाली। राहुल गांधी पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं देश की परिस्थिति से। देश में अन्याय सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने एमरजेंसी लगाई, कांग्रेस ने निर्वाचित सरकारों को तोड़ा, कांग्रेस ने 1971 का युद्ध हुआ, 80-90 हजार POW थे, बिना कुछ लिए पाकिस्तान को दे दिए, पीओ के ले लेते हैं, कोई भी शर्त रखते वो मानी जाती है। कांग्रेस ने देश का बंटवारा कराया, आजादी की लड़ाई में कहीं भी बंटवारे की बात नहीं थी, और ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं, इन्होंने तो देश का बंटवारा धर्म के आधार पर करवाया, कैसे सेकुलर है ये कांग्रेस पार्टी। इन्होंने हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया, 10 लाख लोग मरवाए। तुमने देश का बंटवारा कराया तो माइग्रेशन की क्या पॉलिसी थी तुम्हारी? लोगों के लोग बर्बाद हो गए। सबसे ज्यादा अन्याय तो कांग्रेस पार्टी ने करा। और राहुल गांधी को मैंने पहले भी कहा है कि अगर करना है तो प्रायश्चित यात्रा करें, प्रायश्चित करें। इसके पूर्वजों ने, इसकी दादी ने, इसके नाने ने जो इस देश के साथ विश्वासघात किया है उसके लिए प्रायश्चित करें। वो हाल ही में हुड्डा से ईडी ने जमीन घोटाले मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की है, जिसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा अनिल विज के निशाने पर आ गए और अनिल विज ने बयान देते हुए कहा कि अब भूपेंद्र हुड्डा जेल से एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। क्या कुछ कहा अनिल विज ने, सुनवाते हैं आपको। हुड्डा आज जेल से एक कदम और आगे चले गए हैं, धीरे धीरे जेल की तरफ जा रहे हैं। अब जो कुछ इन्होंने करा है, किसानों की जमीनों को अधिग्रहण का डर दिखा के प्रॉपर्टी डीलरों को खरीदवा दी, तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। अब इसकी खुलने शुरू हुई हैं कलैया और धीरे धीरे ये जेल की तरफ जाते चले जाएंगे। लोकसभा चुनाव की दस्तक है और उसको लेकर एक बार फिर हुड्डा और शैलजा गुट की गुटबाजी सामने आई, जिसके बाद अनिल विज ने इन दोनों को ही नकली बता डाला। देखो, अब ये जो SR के ग्रुप है, शैलजा सुरजेवाला, किरण चौधरी और हुड्डा ग्रुप में अब जोर आजमाइश चल रही है पूरी तरह से। वो कहते हैं असली हम है, वो कहते हैं असली हम है, जबकि हकीकत यह है कि ये दोनों ही नकली हैं। इसलिए वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, वो अपने कर रहे हैं, वो उनके कार्यक्रमों को सही नहीं मान रहे, वो उनको कार्यक्रमों को सही नहीं मान रहे। हुड्डा साहब कोई घोषणा करते हैं तो शैलजा कहती है पार्टी में कहीं फैसला नहीं हुआ इस बात का। तो ये तो सारों के सामने है इनका। अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा रोकने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिसके बाद अनिल विज ने तीखी टिप्पणी की। क्या कुछ कहा विज ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, अब कोर्ट ने ही आदेश दिया है कि राम मंदिर का निर्माण किया जाए और उच्चतम न्यायालय ने दिया है, और देश के साधु संतों ने और जो इसके ज्ञाता हैं, इस ज्ञान के, उन्होंने मुहूर्त की तिथि निकाल ली है, और मुहूर्त केवल 84 सेकंड का है। इतना ज्ञान हमारे इस सनातन धर्म में भरा हुआ है,
कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका भी अगर पूरा बताया जाएगा कि क्या क्या किया जाएगा तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। जो जो काम कौन सा कैसे करना, किस दिशा में करना है, क्या करना है, तो उसके मुताबिक कर रहे हैं। अब ये कौन कहता है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान में हजारों मंदिर दिखा दूं मैं जहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन अभी मंदिरों का कार्य बाकी चल रहा है। इन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा का ही नहीं पता कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, मूर्ति क्या होती है। लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। मूर्ति रखकर जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी तो वो एक जीवित चीज हो गई, तो उसको जाके शीश नवा सकते हैं, वहां जाके माथा टेक सकते हैं, कहीं रोक नहीं है। अम्बाला से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए।